महामारी के बीच कोविड मरीजों की गिनती में हो रहे इजाफे की वजह से काले फंगस की वजह से लोगों के बीच इस बीमारी का डर पाया जा रहा है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन लोगों की आंखें कमजोर हैं, वह बड़ी गिनती में अपनी आंखों के इलाज के लिए सिविल अस्पताल में पहुंच रहे हैं, ताकि इस कोविड महामारी में काला फंगस बीमारी से बचा जा सके। इस संबंधी जब अस्पताल के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिला पठानकोट में अब तक कोई भी मरीज काला फंगस से संक्रमित नहीं पाया गया है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी के वजह से सिविल अस्पताल में आंखों के मरीजों की गिनती में इजाफा हुआ है और जिन लोगों को लगता है कि इस बीमारी से संबंधित उनमें संक्रमण है, वो इलाज के लिए सिविल अस्पताल में पहुँच रहे हैं। देखो ब्लैक फंगस म्यूकोर माइकोसिस कहते हैं, ठीक है, ये जो स्पोर्स ने हवा च भी तुरे फिरते हैं, तो बाकी ये बेसिकली लोंग स्टैंडिंग केस जो एडमिट होंगे ना हॉस्पिटल के, जिन्होंने असं स्टीरॉयड वगैरह देने क्योंकि लाइफ सेविंग परपज़ वास्ते, तो वो करके बॉडी की थोड़ी इम्यूनिटी लो होंगी है, तो यह इन्फेक्शन हो सकती है काला फंगस की या म्यूकोर माइकोसिस। ये मेन जो सिमटम है वन साइडेड पेन फेशियल पेन होंगी है, तो फेशियल पेन इदा होंगी कि बंदा सारी रात सो नहीं सकता, अगर उस तरह की पेन होंगी है तो साइन है यदा। उस तो बाद फिर जो अख की स्वैलिंग हो सकती है, चीक की स्वैलिंग हो सकती है, तो ये बड़ी तेजी ना फिर फैलता है, हड्डी बोन्स में भी रोड कर लेंदा। उस तो बाद फिर आईज इनवॉल्व हो जाती हैं, आई बॉल मतलब अखा की रोशनी जा सकती है, फिर ब्रेन च इनवॉल्वमेंट हो सकती है। सो इमीजिएट दी फिर सर्जिकल जोड़ा है मतलब सानू सर्जरी करनी पैंती है। दूजा बाकी मैं आम जनता को कहूँगा कि ज़्यादा घबराने वाली कोई गल नहीं है, तो ये जोड़े केस हाल तक देखो पठानकोट के हाले तक साढ़े को इतने कोई केस नहीं हाले ना इवन नॉट इवन ए सस्पेक्टेड केस होया कोई, तो बाकी किसी कोई इस तरह का सिमटम आता है तो सानू आके जरूर दिखा, मैं कोई आई स्पैशलिस्ट या ई एन टी स्पैशलिस्ट दो स्पैशलिटी हैं जिन्होंने आके दिखा सकते हैं। ओ पी डी नैचुरली थोड़ी जी लोगों के आया कि कोई ब्लैक फंगस ना की चीज़ हैगी, तो लोग आके थोड़ा जहा भी जिस तरह कोई सिमटम उस टाइप का लगता है तो दिखा रहे हैं। आई दी ओ पी डी और ई एन टी की ओ पी डी वही है।